गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आज हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने एरे के कॉन्सेप्ट्स, बबल सॉर्ट्स के बारे में, सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में डिस्कस किया, और आज के वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक सीखेंगे। सिलेक्शन का अर्थ होता है कोई पोजीशन को सिलेक्ट करना और उस पोजीशन पर रखे एलिमेंट का बाकी रिमेनिंग पोजीशन पर रखे एलिमेंट के साथ कंपेरिजन करते हैं, और कंपेरिजन के दौरान अगर उस पोजीशन पर रखा एलिमेंट बड़ा पाया गया अगले पोजीशन पर रखे एलिमेंट के साथ या अदर पोजीशन पर रखे गए एलिमेंट के साथ, तब आपका स्वैपिंग परफॉर्म होगा, अर्थात डेटा का इंटरचेंज होगा। आज हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पर। सिलेक्शन सॉर्ट, अगर एक एरे है, इस एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए 10, 7, 6, 4 और 9, तो 10 का कंपैरिजन 7 के साथ होगा, 10 का कंपैरिजन 7 के साथ करेंगे। हम लोग जीरो पोजीशन पे रखे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, 10 का कंपैरिजन 7 के साथ होगा। 7 छोटा है ना, ऊपर जाएगा, 10 बड़ा है नीचे आएगा। 7, 10, 6, 4, 9, 7 का कंपैरिजन 6 के साथ करेंगे, 6 छोटा है ऊपर जाएगा, 7 बड़ा है नीचे आएगा। 6, 10, 7, 4, 9, 6 का कंपैरिजन 4 के साथ होगा, 4 छोटा है ऊपर जाएगा, 6 बड़ा है नीचे आएगा। 4, 10, 7, 6, 9, 4 का कंपैरिजन 9 के साथ होगा, सही ऑर्डर में है, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। सबसे छोटा एलिमेंट हमें उस एरे के जीरो पोजीशन पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट्स को के साथ सॉर्टिंग करने का जॉब परफॉर्म करेंगे। 10, 7, 6, 9, 10 का कंपैरिजन 7 के साथ होगा, 7 छोटा है ऊपर जाएगा, 10 बड़ा है नीचे आएगा। 7 का कंपैरिजन 6 के साथ होगा, 6 छोटा है ऊपर जाएगा, 7 बड़ा है नीचे आएगा। 6, 10, 7, 9, 6 का कंपैरिजन 9 के साथ होगा, सही ऑर्डर में है, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। हम इसे पास 1 के नाम से जानते हैं। अब एलिमेंट बच गया 10, 7 और 9। 10, 7, 9, 10 का कंपैरिजन 7 के साथ करेंगे, 7 छोटा है ना ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा। 7 का कंपैरिजन 9 के साथ करेंगे, सही ऑर्डर में है, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। अब 10 और 9 में कंपैरिजन होगा, 9 छोटा है ऊपर जाएगा, 10 बड़ा है नीचे आएगा, ये हमारा पास 3 हो गया। तो सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक में हम लोग एक पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं और उस पोजीशन पे रखे एलिमेंट का रिमेनिंग पोजीशन पे रखे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करने का जॉब परफॉर्म करते हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के प्रोग्राम के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हैज इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच प्रिंटेप और स्कैनेफ फंक्शन, एसटीडीओ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर रखा हुआ है। इंक्लूड कोनियो डॉट एच हैज डिफाइंड साइज 5। सिक्वेंशियल, हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट पर बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना लेंगे।
अब सॉर्टिंग करने के लिए इसे क्या चाहिए, एक एरे का वैल्यू चाहिए जो हम लोग वाइड मेन से पास करेंगे। तो एंट ए आर आर जो मेन से पास होगा, एंट इनर पास नाम का वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, इनर पास टेम्प और इंडेक्स फॉर पास इक्वल टू जीरो पास लेस देन साइज पास प्लस प्लस फॉर इनर इक्वल टू पास प्लस वन से इनर लेस देन साइज इनर प्लस प्लस इफ ए आर आर पास ग्रेटर देन ए आर आर इनर। टेम्प इक्वल टू ए आर आर पास ए आर आर पास इक्वल टू ए आर आर इनर, ए आर आर इनर में हम लोग टेम्प को स्टोर कर देंगे। अब हम लोग डिस्प्ले करने के लिए एक लूप चलाएंगे, फॉर इंडेक्स इक्वल टू जीरो से इंडेक्स लेस देन साइज इंडेक्स प्लस प्लस प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी ए आर आर इंडेक्स। वॉइड मेन, जब प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं सबसे पहले हमारा मेन ही एग्जीक्यूट करता है, साइज और एक आई नाम का वेरिएबल ले लिए, सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, फॉर आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस प्रिंट एफ इनपुट द डेटा प्रिंट एफ इनपुट द डेटा स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए आई। अब यहां से हम लोग वैल्यू पास करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन को, सिलेक्शन सॉर्ट नाम का जो फंक्शन बनाए थे यहां से हम लोग उसको पास कर देंगे ए को, गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए और क्लोज कैलिब्रेशन जो वॉइड मेन का ओपन हुआ था। अब हम लोग इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि इनपुट क्या करना है और आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। ड्राई रन, इनपुट द डेटा 5 4 1 3 2, आउटपुट के रूप में हमें 1 2 3 4 और 5 दिखाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे।